कीजिएगा। बात उस समय की है जब रावण का वध हो गया, प्रभु वापस अपनी अयोध्या नगरी आ गए। तो आपको विदित होगा, रामायण भी देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि प्रभु अकेले नहीं आए थे अयोध्या नगरी, उनके साथ बहुत से लोग आए थे जिनमें हनुमान जी महाराज भी थे। जब राम राज्य स्थापित हो गया, राम राज चलने लगा, तो सबने विदाई ले ली, सबने विदाई ले ली, लेकिन हनुमान जी महाराज वहीं रह गए, क्योंकि उनको जो प्रभु की सेवा करनी थी। अब राम राज चल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, बात आई प्रभु की सेवा की। इतने दिनों बाद तो सब मिले थे, तो सब में होड़ लग गई कि प्रभु की सेवा सबसे ज्यादा कौन करे। माता सीता, भैया लक्ष्मण और भैया भरत, तीनों में होड़ लगी कौन करेगा सबसे ज्यादा कार्य, सबसे ज्यादा सेवा प्रभु की। बात तो शुरू हो गई, लेकिन हनुमान जी महाराज के रहते किसकी दाल गलती। कोई भी कार्य होता, पता नहीं कहां से कूद कर आते करके चले जाते। तीनों परेशान हो गए कि भाई इसके रहते तो हमको सेवा मिली नहीं रही है। तीनों ने आपस में मंत्रणा की और मंत्रणा करने के बाद प्रभु के पास पहुंच गए। सुनिए क्या हुआ। तीनों प्रभु ने देखा तीनों एक साथ, बोले कोई खास बात? अरे बोले प्रभु, बड़ी गंभीर समस्या है जिसका निराकरण आप ही कर सकते हैं। प्रभु ने कहा बताओ। अब देखिए तीनों क्या कह रहे हैं प्रभु से। भैया एक गंभीर समस्या और है, जैसे एक कूलर होता है, एक कूलर होता, कूलर कूलर क्या कहे कि आदमी खड़ा हो जाता है। भाई साहब सबका अधिकार है, सबका अधिकार है भाई साहब। भैया कूलर के आगे से जो खड़े हैं, जाओ भैया सबको ले लो, तुम भी ले हो। हाँ बोलिए सांचे दरबार की। तीनों प्रभु से कहने लगे, प्रभु हाथों से सेवा श्री राम की करो, हाथों से सेवा श्री राम की करो, अब तो विदाई हनुमान की करो, अब तो विदाई। तीनों ने कह तो दिया कि अब तो विदाई हनुमान की करो, लेकिन सारा संसार जानता है कि हनुमान जी को कोई अपने घर से बाहर नहीं कर सकता है। तीनों ने कह तो दिया, लेकिन फिर किस तरह तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक एक करके पीछे हटे। आइए सुनिए, किसी को हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, बस मीठी मीठी ताली। हाँ जी, 1 2 3 4। हाथों से सेवा श्री राम की करो, हाथों से सेवा श्री राम की करो, अब तो विदाई हनुमान की करो, हाथों से सेवा श्री राम की करो, अब तो विदाई हनुमान की करो, हाथों से सेवा श्री राम की करो, हाथों से सेवा श्री राम की करो, अब तो विदाई हनुमान की करो, हाथों से सेवा श्री राम की करो, अब तो विदाई हनुमान की करो, अरे अब तो विदाई हनुमान की करो, अब तो विदाई हनुमान की करो, अब तो विदाई हनुमान की करो, जय हो विदाई हनुमान की करो। गाइए, हाथों से सेवा श्री राम की करो, हाथों से सेवा श्री राम की करो, अब तो विदाई हनुमान की करो, अब तो विदाई हनुमान की करो, अब तो विदाई हनुमान की करो। बोलो श्री बालाजी महाराज की। जय हो जय हो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो।
और आप अगर इससे कुछ बोलोगे तो आपकी बात कभी नहीं टालेगा, इसलिए आप इसको बोल दो यहां से चला जाए, समस्या समाप्त। प्रभु बोले देखो भाई हमको धर्म संकट में मत फंसाओ, मैं नहीं बोल सकता। तीनों ने कहा क्यों? प्रभु बोले सुनो, कैसे मैं इससे नजरें मिलाऊं, कैसे मैं इससे नजरें मिलाऊं, इसका जो कर्जा है कैसे चुकाऊं, कैसे मैं इससे नजरें मिलाऊं, इसका जो कर्जा है कैसे चुकाऊं। कैसे तुम भूल गए हो मुझे याद है, यही तो था। सीता को ढूंढा मुझसे मिलाया, सीता को ढूंढा मुझसे मिलाया, लाया संजीवन भाई जिलाया। सीता को ढूंढा मुझसे मिलाया, लाए संजीवन भाई जिलाया। याद जरा इसके एहसान तो करो, याद जरा इसके एहसान तो करो, याद जरा इसके एहसान तो करो, फिर तुम विदाई। याद जरा इसके एहसान तो करो, याद जरा इसके एहसान तो करो, फिर तुम विदाई हनुमान की करो। याद जरा इसके एहसान को करो, फिर तुम विदाई हनुमान की करो। ईमानदारी से बताना किसको किसको भजन अच्छा लग रहा है, हाथ नहीं हाथ। बाद में बोलोगे सुनील भैया भी बहुत हाथ खड़े करवाते हैं। जिसको अच्छा लग रहा है एक बार अच्छी ताली, दोनों हाथ खोल कर, एक दो तीन चार। जय हो, बहुत सुंदर, क्या बात है। जय जय या। प्रभु तो अलग हो गए ये कहकर कि मुझ पर हनुमान का कर्जा है। मां सीता से बोले तुम्हारा भी तो बेटा लगता है, तुम्हारा भी हक है इस पर, तुम क्यों नहीं बोल देते कि ये चला जाए। मैया सीता नजरें झुक गई, बोली मैं कैसे बोल दूं। बोले क्यों, तुम्हारा भी बेटा है, हक है तुम्हारा। बोली ना बाबा, पहले मैं अपने दिल को टटोलूं, पहले मैं अपने दिल को टटोलूं, किस मुंह से इसको जाने की बोलूं। पहले मैं अपने दिल को टटोलूं, किस मुंह से अपने जाने को बोलूं। कैसे बोल दूं, यही तो था। मेरे प्रभु की लाया निशानी मैंने तो मन में मरने की ठानी। मेरे प्रभु की माया में शामिल, मैंने तो मन में मरने की ठानी। याद जरा मेरे अंजाम को करो, याद जरा मेरे अंजाम को करो, याद जरा मेरे अंजाम को करो, फिर तुम विदाई हनुमान की करो, फिर तुम विदाई हनुमान की करो। इतने वक्त बैठो, हनुमान जी से कौन कौन प्रेम करता है, हाथ खड़े कर देने से प्रेम जाहिर हो जाएगा। प्रेम हृदय के तार जोड़ने से जाहिर होता है, और हृदय का तार के मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। कैसे, एक दो तीन चार। जय हो, बोलो राजा रामचंद्र की। जय हो, बोलो बालाजी सरकार की। Thank you.
ताली। म्यूजिशियन भाइयों को सारे सबकी निगाहें लक्ष्मण भैया पर जा टिकी। प्रभु ने कहा भाई तुम्हारा भी हक है। कैसे? क्योंकि तुम्हारा भी भाई लगता है। अब तो तुम ही बोलो ना जाए। लक्ष्मण भैया गहरी सोच में डूब गए। सबसे बड़ा कर्जा तो मेरे ही ऊपर है। क्यों? इसने हमारी जान बचाई, इसने हमारी जान बचाई, इसकी बदौलत मिले भाई भाई। इसने हमारी जान बचाई, इसकी बदौलत मिले भाई भाई। इसकी बदौलत, इसकी बदौलत संसार देखा, इसकी बदौलत संसार देखा, माता और पत्नी का फिर प्यार देखा। इसकी बदौलत संसार देखा, पत्नी का फिर प्यार देखा। याद जरा मेरे परिणाम को करो, याद जरा मेरे परिणाम को करो, याद जरा मेरे परिणाम को करो, फिर तुम विदाई। याद जरा मेरे परिणाम को करो, फिर तुम भी हनुमान की करो। देखो प्रभु अलग हो गए माँ सीता, ध्यान से सुनना पूरे भजन का निचोड़। प्रभु अलग हो गए, माँ सीता अलग हो गई, भैया लक्ष्मण भी अलग हो गए, सबको अपना अपना कर्जा याद आया। अब बचा कौन? जोर से बोलो ना, भरत भैया। सबकी निगाहें उन पर टिक गई। बोले भाई अकेले तुम ही बचे हो जिस पर किसी का कोई कर्जा नहीं है। अब तो तुम इनको बोलो यहाँ से जाएं और समस्या समाप्त। भरत भैया की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु ये आपने कैसे कह दिया कि मुझ पर हनुमान का कर्जा नहीं है? अरे सबसे बड़ा इनका एहसान तो मुझ पर है। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भाई तुम पर क्या एहसान कर दिया? बोले सुनिए, इसकी बदौलत परिवार देखा, इसकी बदौलत परिवार देखा, रघुकुल पे इसका उपकार देखा। इसकी बदौलत परिवार देखा, रघुकुल पे इसका उपकार देखा। बोले भैया हम कह रहे थे इसको घर से निकालो, बड़े मूर्ख थे हमें। अब जाकर ज्ञान हुआ कि हम तो क्या संसार की कोई शक्ति हनुमान जी को अपने घर से बाहर नहीं कर सकती। क्यों? जिस घर से हनुमान जाएगा भैया, जिस घर से हनुमान जाएगा भैया, वो घर मुसीबत उठाएगा भैया। जिस घर से हनुमान जाएगा भैया, वो घर मुसीबत उठाएगा। जिस घर से हनुमान जाएगा भैया, वो घर मुसीबत उठाएगा भैया। जिस घर से हनुमान जाएगा भैया, वो घर मुसीबत उठाएगा भैया। प्रभु बोले, प्रभु हंसने लगे। बोले भाई देखो मैंने तो कहा नहीं था, आप ही तीनों ने कहा था। अब तीनों को अपना कर्जा याद आ गया तो फिर क्या करें? अरे बोले प्रभु अब हमारी आंखें खुल गई हैं, तो एक ही काम होगा। क्या? के बनवारी मान श्री राम का करो, बनवारी मान श्री राम का करो। अब तो भजन हनुमान का करो, अब तो भजन हनुमान
अब बताओ हनुमान जी, भजन तो हो गया, हनुमान जी को कौन कौन खुश करेगा? देखो हनुमान जी को खुश करना है तो एक नाम लेना पड़ेगा, श्री राम। जरा उठाओ पूरे पूरे हाथ, बिल्कुल सीधा सीधा। अभी तो भजन सुन रहे थे, अब हाजिरी लगाने का भी अवसर आ गया। जरा पूरे पूरे हाथ, देखो टेढ़ा मेढ़ा हाथ बिल्कुल मत उठाना, सच्चा दरबार है, आप फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, नहीं इच्छा हो मत उठाओ, लेकिन उठाओ तो बिल्कुल सीधा हाथ 10 सेकंड तक रखना और कह देना जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 लंका गर जे रावणा, जय सिया राम, अवधेपुरी भगवान, जय सिया राम, जय जय, दोनों दल के बीच में गरज रहे हनुमान। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक भजन और प्रभु के चरणों में समर्पित, क्योंकि आज